हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए नेचुरल फूड रेड कलर की वीडियो। ये नेचुरल फूड रेड कलर कैसे बनेगा और किससे बनता है, आओ देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं लेके आई हूँ एक नेचुरल कलर की वीडियो। नेचुरल कलर वो होते हैं जिन्हें हम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी में भी यूज़ करते हैं और उन्हें हम बना कर स्टोर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी हम प्रिजर्वेटिव चीज़ें नहीं ऐड करेंगे। नेचुरल कलर में आज मैं बना रही हूँ रेड कलर, और ये कैसे बनता है और किससे बनता है। तो ये जो रेड कलर बनेगा ये बीट रूट से बनेगा। ये मैंने आधा किलो बीट रूट लिए हैं, जिन्हें हम चुकंदर भी कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम इनको छील लेंगे। तो हम बीट रूट को अच्छे से छीलेंगे पहले। अब ये मैंने तीनों बीट रूट्स को छील लिया है। तो हम सबके पास इस टाइप का एक ग्रेटर तो होता ही है, तो हम इस ग्रेटर की हेल्प से जो इसमें बड़े वाले होल्स होते हैं उससे इस चुकंदर को अच्छे से ग्रेट करें। जैसे कि हम गाजर के हलवे के लिए गाजर को कैसे ग्रेट करते हैं, सेम उसी तरह से इस बड़े वाले से इस सारे बीट रूट्स को, सारे चुकंदर को ग्रेट कर लें। ये देखो, इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका हमें क्या करना है। तो ये देखो, मैंने चुकंदर को ग्रेट कर लिया अच्छे से। ये कितना रेड है कि हाथ भी मेरे रेड रेड हो गए हैं। तो सोचो इसमें कितना ज़्यादा आयरन होगा, कितना ज़्यादा ये हमारे ब्लड को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जो बच्चे एनीमिक होते हैं, जिनके अंदर वीकनेस होती है, उन लोगों के लिए तो एक वरदान है। तो हमें किसी भी रूप में चुकंदर खिलाना चाहिए। अब मैंने इस चुकंदर को, बीट रूट को अच्छे से ग्रेट कर दिया है। देखो, मेरे हाथ भी धोने के बाद भी अभी तक इसका रेडपन नहीं जा रहा है। तो सोचो इसे में कितना ज़्यादा ब्लड बढ़ाने वाली चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसमें मैग्नीशियम भी होता है और इसमें आयरन भी होता है, जो हमारे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पर बच्चे इसे सैलड में नहीं खाते, तो उसके लिए आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ा पाव भाजी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और गाजर की सब्ज़ी बनाए उसमें भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। कलर तो अच्छा हो गई और बच्चों के अंदर इसके गुण भी चले जाएंगे। तो अभी मैंने इसे ग्रेट कर लिया। अब इसे हमें एक स्टील की प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। मैं इसे स्टील की प्लेट पे इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि इसका कलर इतना रेड है कि उसका जो है ना प्लेट पे असर छूट जाता है। तो स्टील की प्लेट पे असर नहीं छूटेगा। ये देखो, ये इस मेरी मेलेनियम की प्लेट पर असर छोड़ गया, वो सारी रेड हो गई। वॉश होने के बाद भी उसका रेडपन नहीं जाएगा। अब इस तरह से मैंने बीट रूट को इस प्लेट पे फैला दिया है। बीट रूट को हम 3-4 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे, जब तक ये एकदम ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं आगे का बताऊंगी कि हम इसे कलर कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है वो बीट रूट जो मैंने आधा किलो लिया था, जिसको ग्रेट करके धूप में सुखाया था। आजकल विंटर है तो इसे सूखने में पूरे 4 दिन लग गए। देखो, ये बिल्कुल सूख चुका है। अब इसे हम एक मिक्सी ग्राइंडर का जार लेंगे। अब मैंने इस ड्राई बीट रूट चुकंदर को एक मिक्सी जार में डाल लिया है। अब हम इसका एक महीन बिल्कुल चूरा पीसेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया है। तो अभी हमारे पास देखो एकदम बारीक चुकंदर का चूरा बनके तैयार हो गया है। ये एकदम नेचुरल कलर है। अब इसे एक हम बॉक्स में डालकर, किसी भी बाउल में डालकर एक साल तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको इस नेचुरल कलर की रिक्वायरमेंट हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे यूज़ करने का तरीका बताती हूँ आपको। जब भी ये नेचुरल कलर जो हमने बीट रूट से तैयार किया, जब भी यूज़ करना हो, आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी में डाल सकते हैं, अपने केक वगैरह जो भी बनाए उनमें डाल सकते हैं। जहाँ भी आपको रेड कलर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप ये बीट रूट नेचुरल कलर जो आपने होममेड खुद तैयार किया, उसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें से अपने हिसाब से आधा चम्मच डालें और उसमें पानी ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखो, हमारे पास कितना अच्छा बीट रूट रेड कलर बनके एकदम तैयार हो गया। आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें कोई लम्स ना रखना। वैसे भी ये इतना बारीक हमने पीसा है कि पानी में डालते ही एकदम घुल जाएगा, और इससे हमारी दाल सब्जी सबका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। जब भी आप डालोगे तो आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। आपको मेरे ये नेचुरल रेड कलर की विधि पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।